हेलो फ्रेंड, नमस्कार। कैसे हो? ठीक ठाक। ये स्टेबलाइजर है हैवेल्स का मैनुअल स्टेबलाइजर, जिसका ये कोड है, मेन कोड। और फिलहाल क्या इसमें प्रॉब्लम है, ये देखिए, लाइन इसमें नहीं आ रहा है। सबसे पहले जो है इसका हम वायर का कंटिन्यूटी चेक कर लेते हैं, कोड सही है या नहीं है। ये ब्लैक और ये रेड, दोनों का तो नहीं बता रहा है, जबकि बताना चाहिए। ब्लैक से ब्लैक चेक कर लेंगे। ये ब्लैक से ब्लैक, यहाँ तो ये बता रहा है सही। अब ये रेड वाला, रेड से ये रेड है, यहाँ तो सही है, यहाँ बता रहा है, यहाँ नहीं बता रहा है, जो कि बताना चाहिए इसे। यहाँ पे क्यों नहीं बता रहा है? इसके बाद हम इसका फ्यूज चेक करेंगे, फ्यूज तो नहीं उड़ा है, क्योंकि फ्यूज के यहाँ बता रहा है लेकिन यहाँ नहीं बता रहा है। ओह, ये देखिए इसका फ्यूज जो है कितना भयानक, वायर जो इसके अंदर वायर है वो नहीं कटा है, ये इस तरफ से और इस तरफ से ऐसा लग रहा है कि जैसे ये लोड, काफी लोड पड़ा है या लूज रहा है, स्पाइकिंग किया है, इसके वजह से देखिए इसको खा गया है। तो दूसरा फ्यूज लगाकर देखेंगे इसमें। तो इसमें दूसरा फ्यूज लगा दिए हैं और अब देखेंगे इसका कोड को लगाकर। तो ये देखिए इसमें लाइन आ चुका है, ऑटो कट इसका चेक कर लेंगे, ऑटो कट भी हो रहा है, आउटपुट बाहर निकाल रहा है या नहीं उसको भी चेक कर लेंगे। तार हिल गया था। बल्ब जला लेंगे। तो वोल्टमीटर में बता रहा है लेकिन आउटपुट नहीं बता रहा है। देखिए इसमें ये लगा हुआ है प्लग, प्लग लगा हुआ है ये, लेकिन बल्ब जल नहीं रहा है। तो यहाँ पे देखिए आउटपुट के लिए जो वायर है इसका, ये सोल्डिंग छोड़ दिया, इसको सोल्डिंग कर लेते हैं। इसको जरा देखिएगा, सोल्डिंग हो चुका है। अब इसमें लाइन देकर देखते हैं।
ठीक हो चुका है ये।